हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया यानी कि लौकी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और खाने में बहुत ही हल्की होती है। और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो घिया और 4 टमाटर, क्योंकि उस टाइम टमाटर सस्ते थे इसलिए, आजकल तो हम ले नहीं सकते। और इनको मैंने काट दिया और एक प्रेशर कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और 1 टीस्पून के करीब जीरा और 1 टीस्पून के करीब मेथी दाना और 2 पिंच के करीब मैंने हींग डाल दी। तो इनको अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे चॉप किए हुए। कटी हुई हरी मिर्च मिक्स कर देंगे इन्हें अच्छे से। अब हम मसाले डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें घिया डाल देंगे कटा हुआ। अच्छे से घी को मसाले में मिक्स कर देंगे। तो घी अब अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले में, तो अब हम इसमें धनिया डाल देंगे थोड़ा कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो सीटी आ चुकी है और भाप भी निकल चुकी है, तो इसके ढक्कन को खोल के देखते हैं। तो हमारे जो घिया है सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा सा इसमें पानी घी ने छोड़ रखा है, तो थोड़ा सा हम इसको गैस के ऊपर रख के पानी को सुखा देंगे हल्का सा। अगर आपको तरी पसंद है तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको सूखी सब्ज़ी पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा सुखा सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे और साथ में दही लेंगे, क्योंकि दही बहुत अच्छी लगती है घी की सब्ज़ी के साथ, और थोड़ा सा सलाद ले लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी, और आप इसी तरह बना के देखिए तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।